यूपी के प्रतापगढ़ में एक के बाद एक घोटाला। क्या प्रतापगढ़ अपराधगढ़ के साथ घोटालागढ़ बन गया है? पीएम की आंखों में धूल झोंकने वाले अधिकारी कौन है? घोटाला करने वालों पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? यूपी के जिला प्रतापगढ़ में एक घोटाले की फाइल बंद होती है, उससे पहले दूसरे घोटाले की फाइल निकल जाती है। एक के बाद एक घोटाले से साफ है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में प्रतापगढ़ पूरी तरह फेल है। पीएम की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। नगर पंचायत प्रतापगढ़ कुछ करे या ना करे, लेकिन घोटाले में उनका हिस्सा जरूर होता है। घोटाले करने वाले लोग भी एक नंबर के खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो एक दो तरीके से नहीं बल्कि कई तरीके से घोटाला करते हैं। अगर आपका नाम अभिनव है तो आपसे मिलते जुलते किसी भी व्यक्ति का नाम बैंक में अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अभिनव हैं तो अभिनव की जगह अभय हो जाएगा और एक किसान सम्मान निधि में घोटाला कर दिया जाएगा। जिन ग्रामीणों के नाम पर ये धोखाधड़ी हो रही है, उन नामों के सभी लोग टाउन एरिया के निवासी हैं, यानी इसी एरिया के अधिकारी और बाबू मिलकर पीएम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ग्लोबल भारत के कुछ सवाल। जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले डीएम साहब अब तक इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते? क्या प्रतापगढ़ में एक के बाद एक घोटाला होगा और जनता मौन रहेगी? उन लोगों के नाम पर पैसा कैसे ट्रांसफर होता है जिनके नाम जमीन तक नहीं है? एडीएम साहब सिर्फ जांच समिति ही बनाएंगे या फिर जांच में कुछ निकल कर भी आएगा? प्रतापगढ़ में क्या अधिकारी छोटे कर्मचारियों पर नजर नहीं बना पा रहे हैं? घोटाले का तरीका ऐसा चुना है कि सीबीआई भी न पकड़ पाए, लेकिन वक्त सबको बेवक्त कर देता है। जिन नामों पर पैसा ट्रांसफर हुआ है उनमें से ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड भी गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं और बैंक वाले नींद में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ बाबुओं पर नहीं बल्कि डीएम साहब से भी है, वो अभी तक करते क्या है? सौरभ शर्मा, प्रतापगढ़, ग्लोबल भारत, उत्तर प्रदेश।